दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आप भी अपने राशन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आप राशन कार्ड में नए मेंबर को ऐड करना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं या फिर किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं या फिर अपने कोटेदार को आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि अपने राशन कार्ड में कैसे अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आप अपने राशन कार्ड में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब जैसे ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है यहाँ पे NFSA, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे NFSA टाइप करना है, टाइप करके इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, अगर पोर्टल स्लो वर्क करेगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको पहला जो लिंक देखने को मिलता है NFSA.gov.in, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल पर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब जैसे 3 लाइन पर क्लिक करते थे आपको ऊपर आप देखिएगा तो आपको एक और 3 लाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर एक और 3 लाइन देखने को मिलता है आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड। अगर आप मोबाइल मोड में चला रहे हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड। बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसी राशन कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे राशन कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते यहाँ देखिएगा दो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पहला यहाँ पर राशन कार्ड डैशबोर्ड का और दूसरा आपको देखने को मिलता है राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल। तो आपको क्या करना है, यहाँ दूसरा जो ऑप्शन देखने को मिलता है बस आपको इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा राशन कार्ड बेनिफिशरी अंडर NFSA, यहाँ पर आपका आपका स्टेट शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपका स्टेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर देखिएगा 3 डॉट देखने को मिलता है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपका जो भी स्टेट रहेगा बस आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने स्टेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑल स्टेट दिया हुआ है, जो भी आपका स्टेट है बस आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल स्टेट पे क्लिक, जो भी आपका स्टेट अपने स्टेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने स्टेट पे आप क्लिक कर देते देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो करेगा। आपको इसको रीड करना चाहे रीड कर लीजिएगा, जब क्या ओके का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा पॉपअप आपको ब्लॉक आपको ऑलवेज शो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर कुछ ऐसा फेस आपको देखने को मिलेगा तो आपको ऑलवेज शो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, नहीं तो डायरेक्ट आप अपने स्टेट के पोर्टल पर लॉगिन हो जाइएगा। जैसे पोर्टल पर लॉगिन हो जाता है तो यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3 लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे 3 लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिएगा आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ आपको देखता है ग्रीन कार्ड, ठीक है। अब आपको ग्रीन कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ग्रीन कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देखता है ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आवेदन, बस जैसे आपको इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिएगा इस तरीके को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और इस पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नीचे आना। नीचे आपको यहाँ पर देखता है राशन यहाँ पर कार्ड होल्डर लॉगिन, तो अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो ही अपडेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्ड होल्डर लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखने को मिलता है UID राशन कार्ड नंबर के माध्यम से लॉगिन करने पर सुविधाएं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन होते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सा काम कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन होते हैं तो परिवार के मुखिया परिवार के सदस्यों के जेंडर को सुधार कर सकते हैं। परिवार के मुखिया अपने डीलर परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब डीलर जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। परिवार के मुखिया अपने राशन कार्ड के प्रकार पीला से आप लाल में परिवर्तन कर सकते हैं। मुखिया के परिवार के मुखिया परिवार के सभी सदस्यों के मुखिया से संबंध में सुधार कर सकते हैं। ये अगर आप अपने आधार कार्ड से लॉगिन होते तो आपको ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर आधारित लॉगिन की विशेषताएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप राशन कार्ड के माध्यम से अगर लॉगिन होते हैं राशन कार्ड नंबर से तो यहाँ आप देख सकते हैं नए सदस्य को जोड़ना, आप किसी भी नए सदस्य को जोड़ सकते हैं, डीलर को बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर में सुधार कर सकते हैं या फिर परिवर्तन भी कर सकते हैं। जिला के अंतर्गत
सदस्य एक कार्ड से दूसरे कार्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं, आधार नंबर में सुधार कर सकते हैं, सदस्यों के नाम में सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन के मुखिया का परिवर्तन, सदस्य को हटा सकते हैं, राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं, सदस्य के जेंडर में सुधार कर सकते हैं, परिवार के मुखिया में सदस्य के संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं, जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे देखेंगे लॉग इन का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पे लॉग इन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे लॉग इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। जो भी आपका राशन कार्ड नंबर होगा टाइप करिएगा, उस पर यहाँ पे देखेंगे राशन कार्ड टाइप, ठीक है। आपको सेलेक्ट कार्ड टाइप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके पास ग्रीन कार्ड है या फिर ए वाई या फिर वाइट कार्ड है, जो भी कार्ड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पासवर्ड का ऑप्शन देखने मिलता है, 12 डिजिट आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो जो आपके हेड ऑफ फैमिली है उनका 12 डिजिट का यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है। कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करना, लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर दीजिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें आपको जो भी यहाँ पे डिटेल पूरा देखने को मिल जाएगा। जो भी आप करेक्शन कर, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, जो भी करेक्शन करने का डिटेल रहेगा सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से बहुत ही आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन सुधार हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। बहुत स्टेट ऐसे हैं कि अभी करेक्शन ऑनलाइन करेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके स्टेट के लिए बना पाएँ।